भाई मैंने प्रथम अध्याय में शुणी पारस्य राजा मरीजापर तर दुई पु बड़ पु सहरियर और सान पु शाहजमान दुईट अलग अलग राज्यर सुल्तान होते बड़ पु सहरियर थे निजे पारस्य सुल्तान एवं शाहजमान को समरकंदर सुल्तान करते दस वर्षर शासन पर हठात दिन बड़ भाई मना पड़ा सान भाई सहित देखापी तेणु से हिसाब से सी तर प्रधान उजीर को पठाई शाहजमान पाखक जाओ ताकु तुरंत डाकि आण एवं सन्देश जन जे मुझे देखा करने को चाहिए मोर से बहुत मन पड़ुंट बड़ भाई ए सन्देश पाइबा शाहजमान बहुत खुशी जाते बड़ भाई पाखर अनेक उपहार ग्रहण करने से निजे बड़ भाई को केते गुड़े उपहार देवाई मन मन ठीक करते तेणु सबू उपहार सांगे धरी शासन व्यवस्था को योग्य कर्मचारी हाथ में टेकदे सी प्रधान उजीर पाखक जो आसिले हठात मन पड़ा सी गोटे मूल्यवान वैदुर्यर हार छाड़ देखिए चली आसाक से भाज को उपहार देवा चाहूँ तेणु एवं तो यात्रा आरंभ होनी निज राज्य सी अच्छा से यात्रा आरंभ पूर्व पुणी थे राजनगर भितर को जा वैदुर्यर हार आई से मन मन चिंता कले आई राजा तो सुल्तान तो थे बाहरी आसनगर भितर पुणी थे फेरिकी जी गोटे खराब लगे से गुप्त बाट देकर राजनगर भितर को गले तो राति अधरे गुप्त बाट दे नर में पहुँचा पर शाहजमान सीधा सड़क चलीगले शयन कक्ष को कहीं वैदुर्यर हारटी से शयन कक्ष रखी थे शयन कक्ष कबाट को खोली जितेबले से भितर को जवाक बाहर सेठी से जहाँ देखिले निज आखि को विश्वास करें कौन देखिले से देखिले सुल्ताना जहाँ को सी निज जीवन ठू भी अधिक भल पाते सुल्तान नहांती बोली खबर पाई सुल्ताना तांकर जड़े कुश्चित कदाकार अति कदर्ज देखा जाऊ चाकरटी सहित आराम रे खुशी रे प्रेम कर निदरे सोई जाइछंती जेतेबेले ए दृश्य देखिले सुल्तान शाहजमान रागरे सेतेबेले तांकर आखि लाल लाल पड़गला मन मन से भाविले यही कौन ताले नारीर चरित्र या मुते भल पाती यही कौन ताले ए सुल्तानर मो प्रति विश्वस्तता ना यह नारी को केवे क्षमा देवा योग्य नुहे से सांगे सांगे अंटारू खंडा बाहर कले सी गोटे गोटे चोटर से सुल्तान को आदर्ज कुश्चित देखा जा चाकरटी को सही शेष करदे जीवन में मारीदे से मैंने अल्लाह कहवापी गोटाए शब्द उच्चारण करने सुजोग भी पाइले भाई जुगे जुगे नारी निंदा पाई आसी असतीर आख्या मुंडे आसी बदनाम मुंडे आसी विश्वासघाती अपवाद मुंडे आसी तो एथिपाई कौन एका नारी दाई मुझे कहबी केवे नुहे कारण नारी जहाँ भी कै सहित संश्लिष्ट था जो पुरुष प्रथम पुरुष तापर नारी किंतु बदनाम हुए नारी एवं बदनाम रु रक्षा पाई जाए पुरुष जहाँ भी होना कहीं वर्तमान परिस्थितर सुल्तान किंतु राणी को जितेबले देखिले जे मु जो राणी को एत भल पाती मु जो राणी को बिना बंची पार नी आज से राणी पर पुरुषर अंक साइन तेणु मन में घृणा आसला वितृष्णा आसला वैराग्य आसला यही कौन ताल भल पाइबा यही कौन ताल प्रेम मुह को विकृत कर रागे कि सी दुख करेंगे कि बुझी पारे किंतु तांका आखि सामने गोटे मात्र बाट देखाला जो वैदुर्यर हार नहीं मुझी बड़ भाई सहित देखा हबार अच्छी प्रधान उजीर मत अपेक्षा करेंगे तेणु से संवाद बाबद से आई प्रकट नक वैदुर्यर हारटी सांगे धरी सी राजनगर भितर फेरी आसिले प्रधान उजीर पाखक भाई रातिर कथा रातिर रहा यह बाबद कहीं किसी भी जापारे ना कारण शाहजमान गुप्त बाट दे राजनगर भितर को प्रवेश करते गुप्त बाट दे जावाबले से कौन राजकर्मचारी नथिले कारण राजा एमती गोटी गोटे गुप्त बाट थाए जेतेबले से शत्रु आक्रमण सम्मुखीन हुंती सेतेबले सी एक गुप्त सुडंग दे बाई गुप्त बाट दे राजनगर भितर तांकर राणी युवराज परिवार वर्ग को धरी बाहरी जाती से बाटे से बाट समस्त जना न थाए तेणु ए कथा बा शाहजमान आसी सुल्तान को हाणी कुश्चित कदाकार चाकरटी को मारी बाबद कहीं बिंदु विसर्ग जापारे ना वैदुर्यर हारटी को धरी
शाहजमान आसी पहुँचीगले प्रधान उजीर पाखे सकाळ पाइबा मात्रे समरकंदरु पारस्यर यात्रा आरंभ होला। यात्रा रे सामिल थिले बड़ भाई सहारियार प्रधान उजीर एवं तांकर अनुगामी माने एवं सान भाई शाहजमान एवं तांकर अनुगामी माने समस्त बड़ खुशी रे समरकंदर बासिंदा जाउथंदि पारस्य पारस्यर सम्राट को भेटिबे शाहजमान को बड़ भाई को भेटिबे सेथिपे तांको मनरे प्रबल आग्रह प्रबल उत्कंठा किंतु एकमात्र खुशीर परिस्थिति रे मध्य दुखी जना पड़ुथिले शाहजमान कारण असती नारीर एइभली व्यवहार से केबे आशा करिनथिले। निज हाथी रे जो राणी को सेते भल पाउथिले से राणी को हत्या कर दे आसी निज को केमिति गोटे अपराधी अपराधी भली लागुथिला एवं ता संगे संगे मन मध्य गोटे प्रकार खुशी होउथिला जे मु असती नारी उपरे प्रतिशोध नेइछि राणी को मु मारी दे जो राणी मो प्रति विश्वस्त नुह जो राणी मो प्रति विश्वासघातकता करिछि मु ताकु आज मो रास्तारु शेष कर देइछि ताकु ठीक पाने चखेइछि एभली नारी बंचिबार योग्य नुहे। तापर मध्य शाहजमान मन भितर चलिथिबा द्वंद्व को लक्ष्य करि पारिथिले केवल जणे सी थे प्रधान उजीर से देखिले एत बड़ खुशी मुहूर्त में शाहजमान खुशी जनापड़ना यही परिस्थित भितर समरकंदर पारस्य दीर्घ बाटर जात्रा सरला पारस्यर परिसीमा भितर को जिते बड़े आसीगले शाहजमान दूत हाथ में खबर पठेदे जे आम आसीगलु बड़ भाई को जाए खबर जनई दि सहारियार जिते बड़े जान लें शाहजमान आसी जाइंट बड़ भाई खुशी ये खबर पाई आनंद गद्द दे उठले सान भाई आसवा पर्यंत से अपेक्षा कले निजे घोड़ा उपर बस सान भाई को देखा करने को चलीगले बड़ भाई और सान भाई भितर कि अनाबिल प्रेम राजा है भाई भाई भितर स्नेह ममतार बंधन को से भूली पारिना सहारियार जिते आसिक पहुँचीगले शाहजमान पाखे दुई भाई परस्पर को देखी आनंद गदगद होगले सहारियार तो धाई जाए शाहजमान को कुंडे धरले अवश्य शाहजमान दुखी जना पड़ते विषण थे तापर भी बड़ भाई को बहुत दिन पर देख सी खुशी हो जाते कि अपूर्व मुहूर्त था दी भाई मिलनर से दृश्य सहारियार सान भाई शाहजमान को पाछ टाणिले राजनगर भितर को सहज राजा भाई राजा को चार चक्षुष बोली कह जाए चारिटा आखि थाए आमर सिना दीटा आखि आम केवल सामना को देखिपे कि राजा चारिदिगे चारिटा आखि था पुणे चार बा अनुचर वर्ग को राजा आखि बोली कह जाए कहीं से मध्यम से खबर संग्रह करती राजा चारिदिग को नजर थाए तेणु बड़ भाई सहारियार निजे अनुभव करें शाहजमान आसिले खुशी जनापड़न किसी ना कि दुख तक लुचि रही से प्राय समय अनुभव करुले शाहजमान जो भी बसुच्च जिते बड़े बसुच्च टिके टिके अन्यमनस्क जनापड़ मनरे बड़ भाई को देखा पर खुशी ना से सराग ना तेणु सान भाई को बड़ भाई पचारे कथा कौन शाहजमान तू खुशी जनापड़ तू ये दुखी दुखी जनापड़ कहीं पिलादिने जो मोर सान भाई एत आनंद फूर्ति हस खुशी सब बड़े मसगुल रोला आज मोर से सान भाई मुहर से खुशी मुझे देखा पाऊनी कौन है तोर से मधुर हस से खुशी मिजाज से सरस मुह यह सब गला कड़े कहीं तो मनरे दुखर कलाबादल घेरी रही कहीं तू ये दुखी जनापड़ु तू कौन तो बड़ भाई माने मत देखला खुशी नुह तू कौन समरकंद छाड़ी पारस आसवा को चाहू नु तू कौन सहारियार बोली तोर जन बड़ भाई अच्छी ए कथा को सबुदिन भूली जावाक चाहूलु यह सब कथा शुणी शाहजमान चुप रही कहले ना भाई सेमती किसी नुहे मुँह तो प्रति मुहूर्त सुजोग खोजुली केत भाई सहित टे देखा जाता कि आ दस वर्ष पर जो मत से सुजोग मिलला मुझे निजे बहुत खुशी भाई ये आनंदर मुहूर्त को मु भाषा परिप्रकाश करी ताहले सहारियार पचारे तो तू सब एमती गुमसुम रण कौन ताल तो मनरे खुशी ना कहीं शाहजमान भाई को कौन उत्तर दब कि बुझी पार्लानी कौन कही भाई को बुझेब जे भाई मो स्त्री चरित्रहीना मो स्त्री विश्वासघातिनी मो अजाणतरे
मोर गोटे चाकर सी पुणी कौन सुंदर कंदर्प पुरुष नुहे गोटे कुश्चित कदाकार चाकर सहित संपर्क रखी प्रेम संपर्क रखी आता बहुत दिन पर आज मुझे जापरि आईपाई हाणी देक आसी मारी देक आसी एक भाई आगे केमी प्रकाश करें तो दी भाई भितर यो द्वंद्वर समय थी अर्थात साहारियर बुझुते शाहजमान कहीं दुखी आ शाहजमान मन मन उत्तर खोजुले मो बड़ भाई को कौन उत्तर देवी ये जो परिस्थिति थिला ये परिस्थिति रे साहारियर मन भितर संदेह ताले कौन संदेह आसला साहारियर मनरे से कौन सान भाई को भूल बुझिले सान भाई कहीं दुखी तार कारण खोजा को चिंता नक सी कौन मन मन धरने जे सान भाई मत देखी खुशी नुह ए सबर उत्तर जानापी आपण मैंने अपेक्षा करूँ आरब रातिर कथा असरंती कहानी गाथार तृतीय अध्याय देखापी ए अध्याय केमी लगेगा मतामत निश्चय देवे भल लगी लाइक कमेंट और वीडियो को शेयर करेंगे आदम भूली जी भाई मैंने ये कहानी मुझे जनईदे मन छुआ कहानी प्रस्तुत नुह बा मोर निजस्व कहानी नुह आरब रातिर कथा आम समस्त शुणुचे तेणु आपण मैंने कई कई अल्पे बोधे बाबद जानते कई चालाक चतुर अच्छा भाई मैंने आगतिरिया कौटू कौन खोजा खोज कर कहानी को भल भाव आगुआ जाणीदे चेस्ट करेंगे सेमती करें भाई आगुआ कहानी जाणीदे कहानी शुणवार मजा रहे तेणु जदि मुझे भूल कौ थाए भूल बाटर जाऊ थाए कहानी को भूल मार्ग दे गति कराए मत जनईदे कहानी तो ये बाबद कौन सी मानने गवेषणा करी मुझे कहानी कहूनी भाई गप गप आम कोणार्क मंदिर जावा देखा मंदिर को न देखी जदि कोणार्क मंदिर कांथे लंगला छवि मानक देखा बा मूर्ति मानक देखा आउ कह भाई ये जगह को आसवा उचित नुह ताल तो कोणार्क मंदिर जो शिल्पी मैंने तैयारी बार वर्ष धरी बारश बढ़ई से मानकर सब परिश्रम व्यर्थ हो सप्ताहस्थल जाए रही कोणार्क आम कोणार्क को देखा भाई गप शुणा गपुर मजा नवा कौ बाटर जाऊँ जाऊ कि भूल जदि होतु जान ते जाशु कि मुझे कौन सी कहानी को विकृत करने को चाहूनी मुझे गोटे बही को फलो करी आपण मैं कहानी शुणुचे कहानी शुणा को मतलब बहुत भल लगी से आपण मैं कहानी शुणी भावुची ए कहानी बहुत दिन पर आज भी ए कहानी शुणा को मजा लगे आपण मानक निश्चय खुशी दबो जय श्री राम।